इतने साल के सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे ये तो तुमने खबर अच्छे। ए घोड़ा, कहिए। घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा, हिलने पर बजती है। ओहो। घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगिए बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम आईपीएस। जानता हूँ, मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? हाँ। बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई, पायलट छे। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाईडी है मनीषा। अभी जो तन तनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगीसा। और ये कौन है? जिग्नेश। ओ, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल। हा? इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे, बैग नीचे रख। जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिरदर्द बन गया। इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। सच्ची, मेरे पति ने इसके ऑफिस में चोर कैमरा छिपाया था। इससे फौरन पता चल गया कि ये किडनैप हुई है। अंकल, आप क्या टाइम पास कर रहे हैं? ये लड़का मरने वाला है। पैसों के चक्कर में डॉक्टर ने जिंदा रखा है। कैसी हो बेटी? तुम बहुत खुश होगी ना? मैं तो कहूंगा कि तुम बहुत लकी हो बेटी। एंड वक्त पर रवि मेरी ऑफिस में आ गया, और उस वक्त मैं भी ऑफिस में मौजूद था, और तुम बच गई। इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात। सर, मधु कैसी है? क्या हुआ, जबड़ा हिल गया? मधु से मिलूं ना? शाम तक मुझे मंगलसूत्र रेडी चाहिए, मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा, तुम मधु से मिले? तुम्हारे जबड़े में दर्द है क्या? हम मधु से मिल सकते हैं? चलो। अरे ये क्या, सब खा गए? किसी ने नहीं खाया, चोर अंकल बॉटल के साथ चकना भी ले गए। तुझे कैसे मालूम? ठंडी बॉटल से उनका कुर्ता गीला हो गया है और चकने के दाग उनकी लुंगी पर लग गए हैं। हाथ में दो,
थैंक यू भाई। अगर तू इतना समझदार है तो तूने बिट्टू से पंगा क्यों लिया? मैंने पंगा नहीं लिया सर, उसने मुझसे पंगा लिया। वो पैदाइशी गुंडा है और इसका तो ट्रेनिंग पीरियड चालू है। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? याददाश्त कमजोर हो तो गले में आई कार्ड लगा कर घुमा कर। तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है, कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? मैं तो बस एक माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। माँ की इच्छा? एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा बाहर मत जाओ वरना गब्बर पकड़ लेगा। बच्चे ने बात नहीं मानी और बाहर चला गया। अगर उस वक्त गब्बर बाहर ना होता तो बच्चा माँ पर यकीन नहीं करता। मौका देखते ही मैंने बच्चे को उठा लिया, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने ही मुझे पकड़वा दिया, कहने लगी बच्चे को किडनैप किया है। अबे यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा, कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? इंस्पेक्टर, आप क्या है? मुझे प्लेन पेपर और एक दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ, हाथ की सफाई में मैंने PhD किया है, मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो सामान भिजवाओ। हवलदार, ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेकर आ, ये महाचोर अपनी आत्मकथा लिखेंगे। सर, आप क्या है रे? एक कप चाय चाहिए सर। अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ सर, जेल को ससुराल कहते हैं ना। हवलदार, ये ऐसे ही पकाता रहेगा, चल हम लोग राउंड अप करके आते हैं। आप चलिए सर, पीछे पीछे हम भी आते हैं। रास्ता साफ है, निकल लेते हैं। ये क्या है? फोन है। वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्में बहुत देखता है। ये लो पकड़ो, शाम को इसे मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर इसमें है। ए, तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गई? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने। यहाँ पर? वो लोग ये नहीं जानते कि लड़का कौन है। पापा को तो मालूम है, उस खूंखार माँ से तुम निपटना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उनसे निपटूंगा? तुम जानती हो ना कितनी खड़ूस है वो। एक तो तुम्हारी बदतमीजी संभाली नहीं जाती मुझसे, तुम निकलो यहाँ से, ये बिल्कुल गलत टाइम है, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। मैं जाऊँ क्या? अरे ऐसे नहीं मधु, देखो बात यह है कि मधु तुम्हें तो पता ही है ना कि कल क्या हुआ था। सच कह रहा हूँ मधु, देखो तुम मेरे पापा को नहीं जानती हो, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया ना तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। कपड़े उतार देगा? बोलो ना जानू, बोलती बंद हो गई। एक्चुअली कुछ कहो ना। प्लीज कपड़े पहनो, मेरा गला सूख रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ? ए तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। ए आंटी, तू चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? तू क्या एक? हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। ओ अच्छा, तो दूल्हा कौन है? यही है ना? कौन ये? नाक नक्शा अच्छा है। हाँ रवि, साड़ी वाली पे मेरे प्यार की गाड़ी अटक गई है।
उधर रेड सिग्नल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सास कहो। क्या कह रहे हैं आप? शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा हो। तेरी शादी के बाद मैं इसे भगा ले जाऊंगा। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी बातें सुनकर मेरा रोम रोम खुश हो गया। ओह। आगे बोली। हम तुम्हें कैसे लगे? पांव से सर तक स्वर की अप्सरा लगती हो। वैसे तुम करते क्या हो? चोरी मेरा काम है। तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया। मार डाला रे। यस। यहाँ देखो, आंखों में आंखें डालकर प्यार का इजहार करो। यस। समाज हमारे रिश्तों को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सबके सामने इसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तेरी तो छोड़ना। पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क लड़ा रही हो। कौन सा नौकर जी? यही तो होने वाला दामाद है। लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, ये तो नौकर है, वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। क्यों? मेरी शादी एक बुड्ढे से हुई है तो उसकी शादी भी एक बुड्ढे से ही होगी। ये क्या किया तुमने? जिस गुलाब से गाल को चुभना चाहिए उसमें थप्पड़ मारा तुमने। मधु के प्यार में रवि पागल है। ज्यादा पागल हो गया तो पागल खाने जाएगा। मारने के बहाने छुआ तो सही प्यार का एहसास। कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। ओके। हाय रवि। अरे आओ राजा। अहमदाबाद कह रहे हैं वो? नमस्ते। अभी अभी तो आया हूँ। आप जल्दी जाने नहीं दूंगा। आओ। नहीं नहीं मुझे जाना है। अरे कुछ खा कर तो जाओ। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ है? आज रवि की सगाई हो रही है। ओके। कांग्रेट्स रवि। थैंक यू। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, वहां पहुंच के फोन करता हूँ। ओके राजा। सर रुकिए, मैं इनको छोड़कर आता हूँ। सर हमारा केस कहां तक पहुंचा? ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है रवि। मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। बिट्टू कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, तुम अलर्ट रहना रवि, हमें तुम्हारी जरूरत है, समझे? ओके सर। सर कहां जा रहे हैं? फोन अंदर रह गया। फोन आप रुकिए सर, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ अंकल फोन निकालो। सर यार, रवि की फैमिली कौन सी है? चलो कहां ले जा रहे हो? कहां ले जा रहे हो? चलो छोड़ो मुझे। चलो ए इधर अंदर लेके जाओ। अगर तुमने किसी को बताया तो जान दे लूंगा। छोड़ो चलो।
तूने मेरे पापा पे गोली चलाई। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे उसे छोड़, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तेरे पापा बच सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। रवि जल्दिया, ये क्या हो गया? सर बाबा आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। तुम जरा यहाँ आओ, देखो रवि। स्टेशन चलो। क्या? मैं बात कर रहा हूँ ना सर। रवि, एसीपी की उस कार में जो बम था उसका ट्रिगर इस फोन में था। ये फॉर्मेलिटी है, पूछताछ के लिए तुम्हें ले जाएंगे, चलो। पर मेरे बाबा को इस वक्त मेरी जरूरत है। मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा, चलो। हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ सर? उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे बाबा कैसे हैं सर? कहा ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ। देखिए मुझे सच बताइए प्लीज। रवि चलो रास्ते में बताता हूँ। ये आपका दामाद है जो इसे ले जा रहे हैं? ये एक मुजरिम है। एक घंटे में वापस लाता हूँ। ये रूल्स के खिलाफ। You hell with the rules. ये मेरा स्टेशन है, यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। तो रजिस्टर में क्या लिखूं ये भी बता दीजिए। लिख दो कि मैं अपनी गारंटी से अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, चलेगा? आओ बेटा। राजी, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, अपनी गिरफ्तारी के बारे में उन्हें मत बताना, हालत बिगड़ जाएगी। उस रोज अगर तुमने 10,000 रुपए न लिए होते तो मैं सुकून से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता, तुम्हारी माँ रसोई में पकौड़े तल रही होती, बहन टीवी देख रही होती। असली कमाई तो वही थी बेटा, वो तुम्हारे 1,00,000 रुपए से 1,00,000 गुना बेहतर थी। 60 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से भागती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती नहीं, ये बात तुम जानते हो। फिर 2 घंटे में 10,000 का 1,00,000 बनाने का लॉजिक क्यों ढूंढ लिया बेटा? कोई भी बैंक 10,000 का 1,00,000 नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो तेरा ये बाबा 50 साल की उम्र में हॉस्पिटल ना आता। ऐसा जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से लौट जाता है। जब भी सोचता हूं तुम में और बिट्टू में कोई फर्क नजर नहीं आता। तुम्हें 1,00,000 चाहिए था, उसे 1,00,00,000 चाहिए था। नंबरों में भले फर्क हो, मकसद में नहीं था। नहीं बाबा, बात बुरी लग गई। अच्छा बताओ, तुमसे एक बार गलती हो गई, हुई थी ना, अब वैसे ही हालत फिर तुम्हारे सामने है, क्या करोगे? वही गलती फिर दोहराओगे या सबक लेकर सही राह चुनोगे? आप क्या चाहते हैं बाबा? एक बार धर्मराज ने जुआ खेला था, तब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी। उस रात 10,000 के तुम्हारे जुए ने तुम्हारी जिंदगी को मौत के करीब पहुंचा दिया। जाओ युद्ध करो। और सुनो, मेरे 5,00,000 रुपयों के लिए नहीं, मेरे जैसे साधारण टीचर, क्लर्क, सुपरवाइजर के लिए, जिन्होंने बेटी की शादी के लिए, बेटों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के बाद घर बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, वो उनके उनके सपनों को पूरा करने के लिए थे, उनके लिए जा और पूरे 1,500 करोड़ लेकर आ। और तब तू कहना तेरा मकसद बिट्टू से अलग है। मैं ले आऊंगा। शहर के पूर्व एमएलए और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरदराजन जी का उनके फार्म हाउस पर मर्डर कर दिया गया है। इस केस के बारे में तुम फिक्र मत करो, एसीपी के मर्डर केस से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मरा ही नहीं है। मरा नहीं? जब एसीपी हमारे घर पर आया था तब उसने फोन पे क्या कहा? कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। मतलब कार में ड्राइवर था।
आप कहते हैं एसीपी मर गया तो कार में दो बॉडीज होनी चाहिए थी, कितनी? दो। और कितनी थी? एक ही थी। मतलब जो गया वो ड्राइवर था। जब हम बाहर निकले तो जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा था? मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। वरदराजन कल ही मर चुका था और ये उनसे बात कर रहा था। वरदराजन मर गया, ये तुम्हें कैसे पता? हॉस्पिटल से निकलते वक्त टीवी पर देखा था सर। शहर के पूर्व एमएलए और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरदराजन जी का उनके फार्म हाउस पर मर्डर कर दिया गया है। पर इन सब से एसीपी का क्या लेना देना? जब हम डंप यार्ड में पहुंचे तब शायद उस एसीपी राज को पैसों का कोई सुराग मिल गया होगा। अगर मेरा शक सही है तो एसीपी उसी रात को पैसे निकालने के लिए डंप यार्ड गया होगा और उसे जरूर वो पैसा मिल गया होगा। बिट्टू जब बाहर आएगा ना, हम सब मिलके बराबर बराबर बांट लेंगे। बिट्टू की तो अभिलाषित जेल से बाहर आएंगे। ये सारा पैसा अपना है। लेकिन बिट्टू जेल से फरार हो जाएगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। वरदराजन और एसीपी के इस गेम के बारे में बिट्टू को पता चल गया होगा, इसलिए उसने वरदराजन को खत्म किया। तो उसने एसीपी को क्यों छोड़ दिया? पैसों के बारे में एसीपी जरूर जानता होगा और वही बता सकता है पैसा कहाँ छुपाया है। तभी तो बिट्टू ने ये चाल चली है। इस बॉम ब्लास्ट में उड़े परखच्चों की वजह से तुम्हें पता चला कि विलन कौन है, लेकिन एसीपी और वरदराजन आपस में मिले हैं ये बिट्टू को कैसे पता चला? जैसा मैं सोचता हूँ बिट्टू बिल्कुल वैसा ही सोचता है, लेकिन इस वक्त उसकी सोच मुझसे 24 घंटे आगे है, वरना आज बाबा हॉस्पिटल में ना होते, राजी किडनैप ना होती और मैं लॉकअप में ना होता। सर, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा उसे। पर कैसे? ₹1,500 करोड़। बिट्टू, मेरा आधा हिस्सा कभी देगा? अभी देता हूं। पैसा ले जा रहा था, बोझ ही नहीं संभाल पाया। कोटे, इससे हमें एक बात समझ में आती है, पैसा चुराने से ज्यादा पैसा ले जाना मुश्किल है। मरी क्यों क्या? बिट्टू को फोन कर। ये इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? वो नहीं कर रहा है, कोई करा रहा है।
3 कंटेनर मंगाओ और पैसा 1 पर लाद दो। उस इससे पहले कि वो समझे कि पैसा किस कंटेनर में है, शिप पे लाद के देश से निकल जाओ। और तुम? इंडिया में एक तुतुकोरिन एयरपोर्ट है, अजीब नाम है ना, वहां से श्रीलंका 10 मिनट दूर है। तुम पैसा लेके शिप से जाना और मैं फ्लाइट से जाऊंगा। फिर इस लड़की का क्या? इसे तो देवयानी संभाल लेगी। कॉल ट्रेस के हिसाब से वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया के गोडाउन के आसपास है। अगर वो फोन उठाता है तो सही जगह का पता चल जाएगा। हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। वहां जाएंगे? अभी निकले ना तो भी आधी रात को पहुंचेंगे। हाँ। तब तक तो वो देश छोड़कर जा चुका होगा। हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हेलीकॉप्टर? भाड़ा कौन देगा उसका? है? बैंक के लुटेरे फ्लाइट और शिप इस्तेमाल करते हैं तो हम पुलिस वाले हेलीकॉप्टर नहीं ले जा सकते। हमें एयरपोर्ट में कौन घुसाएगा? एक आदमी है। वो कौन? आपका दामाद, वो पायलट है ना। इसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है। मारो जमाई। पायलट छे। लेकिन अगर वो नहीं माना तो? मैं बात करूंगा। चाटा मारकर बात करोगे? भीख मांग लूंगा, जरूरत पड़ी तो पैर पड़ लूंगा। मुझे मारा तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं। वैसे घर चलोगे तो मेरी बेटी मरम पट्टी कर देगी। ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बेटी को। हो गई तसल्ली, लाखों में एक जमाई मिला था, तोड़वा देना शादी। इसकी औकात ही क्या है? ये हेलीकॉप्टर का ओनर है क्या? है तो ड्राइवर ही। बस बहुत हुआ, तारू मोडू बंद रख। पूरे शहर में उन्हें ढूंढने के कहां? इंडस्ट्रियल एरिया से पोर्ट की ओर जो रोड जाती है उस पर। पहचानेंगे कैसे? इतना पैसा तो किसी कंटेनर में ही जाएगा। हो रहा है। पर यहां तो 3 कंटेनर्स हैं। इन तीनों में से पैसा किस में होगा? सिंपल है सर, पैसा काफी है, वजन भी ज्यादा होगा, कंटेनर के टायर दबे होंगे। ऑरेंज वाले कंटेनर में हो सकता है। वो कहां जा रहे हैं उस पर नजर रखिए, एक बार हम उतर जाएं फिर बताता हूं। लेकिन तुम्हारी बहन उनके कब्जे में है। सर, पैसा पोर्ट पहुंचने तक वो मेरी बहन को कुछ नहीं करेंगे। पायलट डाउन। देखो देखो रोड पर। सर सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो रवि। ऑरेंज कंटेनर का पीछा कीजिए। ठीक है। किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ड्राइवर कौन? धनुषकोटी, धनुषकोटी। तब तो पैसा उसी में होना चाहिए, छोड़िएगा मत। उसे पोर्ट जाने से तुम रोकोगे कैसे? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। हेलो, कहाँ है तू? बीच रास्ते में हूँ। एग्जैक्टली कहाँ पर है? गाड़ी बंद पड़ गई है, सेंट अल्फांसो स्कूल के बाहर हूँ। मेरी बात सुन, जल्दी से जा, सेंट अल्फांसो स्कूल की फाइनल बेल बजा दे। पर क्यों? जैसा कहता हूँ वैसा कर। ऑरेंज कलर का कंटेनर पहुंच गया? हाँ पहुंच गया है। बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड ब्लॉक है और ट्रक भी रुक गया। अभी वो घुमा रहा है। लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है? राइट राइट में जा रहा है। एमजी रोड की तरफ जा रहा है। वहाँ पर अपना कोई दोस्त है? अरे पिंटू होगा ना, पिंटू वहाँ पर कार रिपेयर करवा रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे मोहम्मद के गैरेज पर मिला था। हेलो, सुन तेरे सामने कौन है? अरे मेरे सामने तो मोहम्मद पहलवान है। और तू क्या कर रहा है? चाय पी रहा हूँ। चाय उसके ऊपर फेंक दे। पागल हो गया क्या? मोहम्मद पर चाय फेंक। मेरे ऊपर चाय फेंकी? सर यहाँ पर लोग चाय से लड़ रहे हैं, बहुत भीड़ जमा हो गई, मैं अकेला नहीं संभाल सकता, और फोर्स भेजिए फौरन। वो ट्रक लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? यू टर्न लेकर राइट में जा रहा है। श्योर? हाँ। अगला गाना फिरोज की तरफ से नीलोपर के लिए। वो बहुत तेजी से जा रहा है रवि, 10 मिनट में वो फ्लाई ओवर पर पहुंच जाएगा और वहां से वो बिना रुके पोर्ट चला जाएगा। रवि अब क्या करें? उसे रोकता हूँ। क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है? रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पे पर... रहने दे, मुझे रेडियो मिर्ची पसंद है। यस। कहाँ है तू? स्टूडियो में हूँ। ट्रैफिक अपडेट में बोल दे कि पोर्ट वाले फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम है। पर वो रोड तो खाली है। तू कभी झूठ नहीं बोलता क्या?
मिर्ची लिसनर्स की ट्रैफिक अपडेट। बोर्ड को जाने वाले फ्लावर पर हैवी ट्रैफिक है, तो अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो आप फंस सकते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए लेट हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अगला गाना सिर्फ 98.3 रेडियो मिर्ची पर। ये तो कंटेनर राइट में घुमा रहा है। तुम उसे कहां ले जा रहे हो? उसे उसकी सही मंजिल पर पहुंचा रहा हूं। स्टीयरिंग तो उसके हाथ में है, मगर ड्राइविंग मैं कर रहा हूं। चल राइट ले ले, फिर से राइट। बोर्ड पहुंच गए क्या? ये तो वहीं पहुंच गया जहां से इसने पैसे चुराए थे। बिट्टू, तेरे चुराए 1500 करोड़ में से एक भी पैसा तू नहीं ले जा सकता। अब तू रुक, मैं आया। रवि, रवि, अब कहाँ जा रहे हो? बिट्टू अब पोर्ट की तरफ जाएगा ना, वहीं दी एंड करूंगा उसका। रवि, रवि, मैं पोर्ट, चलो पोर्ट चलो। ये ऑटो नहीं है कि कहीं पर भी मोड़ दो। अब चलो। बिट्टू, तुम्हारा आदमी नहीं आया। धनुष कोटि, मैं पहुंच रहा हूं। पहुंच गया। उसे नीचे उतारा तो मैं उसका फैन हूं, वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा। अरे हाँ, स्लो 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 स्लो, अब आजा 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 आजा, कूल कूल कूल, आराम से, शाबाश शाबाश शाबाश, आजा।
थोड़ा सा अबे जल्दी करना, कहाँ छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लिया। अस्थमा भी है इसको। थैंक यू। मारेगा पूछे, इंसान की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हमारे जैसे लोग लड़ते नहीं, बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। We will sit and talk. ए, इस साले को मार दो। अरे बाबा माफ करो, जो मन में आए वो करो, मैं तो चला, मैं जा रहा हूँ। मार डाला, जब मुझसे बात करनी थी तो गोली क्यों चलाई? डर हुआ? देखो जाने दो। हाँ? मुझे जाने दो, तुम्हारी बहन कहाँ है मैं बताता हूँ। मत बता। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। ए, 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 मुझे गुस्सा मत ला। अता मौज, आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चलेगी तेरी बहन मार दी जाएगी। मरवा दे। ए, पागल हो गया तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो तू उसे मारेगा? मार उसे, मार, चल मार ना। ए, क्या है? जिसने भाई को है उसे गुस्सा होने का हक भी नहीं है क्या? वो तेरी बहन है। फर्क नहीं पड़ता। ए? वो तेरी सौतेली बहन है? नहीं, मैं थोड़ा येड़ा हूँ, मेरी सटक गई तो सामने वाले को नहीं छोड़ता। मिल गया, पकड़ लिया। ऑफिसर, मुझे से बचाओ। घबरा तो नहीं हूँ, अभी क्यों? मुझे बचा लो ऑफिसर। ये मार देगा मुझे अरेस्ट में। अरे रे, हथकड़ी लाना तो भूल ही गया। कच्चे का नाड़ा भी चलेगा, मैं नहीं भागूंगा। इस कचरे को जेल में संभाल के रखने का क्या फायदा है सर? पहले ऐसे कपड़े दो, इतवार को ऑमलेट दो, बुधवार को बिरयानी दो, गवर्नमेंट के खर्चे पर ऐश करेगा। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ सर। मारना मत वरना फंस जाओगे। बॉडी मिलेगी तो फंसूंगा ना सर, मछलियाँ खा जाएंगी, हमारे अलावा किसे पता चलेगा? मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। एक गोली दो आदमी, बहुत नाइंसाफी है। घबराइए मत सर, आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। अरे एक नंबर का पैर है, कुत्ता है सर। बोला तूने? अरे बोला कुत्ता। अरे तू तो अपने आप बचा नहीं पाएंगे। इस कमीने को मारने पर तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा, छोड़ दो सर। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मेरे बड़े बेटे जैसे हो, मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे, फेंक दो ये गन। इस कमीने के लिए रूल्स नहीं है, शरीफ लोगों के लिए रूल्स बनाए। शांत हो जाओ रवि। रवि झुक जाओ। बिट्टू, अब आपको मेडल मिलेगा सर। मेडल मिले या ना मिले, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देता। ऐसा नहीं होता सर, उसकी गन में गोली भी तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब वो गन खाली थी। खाली गन फेंक कर ड्रामा कर रहे थे? तो क्या मैं इसे मार कर जेल चला जाता? सोच भी कैसे सकते हैं। अब कहाँ? बहन को बचा। हेलीकॉप्टर की आवाज से कहीं वो तुम्हारी बहन को नुकसान न पहुंचाए। घबराइए मत सर, वो गूंगी बहरी है। क्या?
साजिक मैं हूँ। तुमने उस जवान लड़की के बदले मेरा हाथ क्यों थाम लिया? एक खूबसूरत जवान लड़की और इस बुड्ढे के हाथ में कोई फर्क नहीं क्या? अरे क्या भैया, ऐसा क्यों किया? अरे एक तो तुम्हारी जान बचाओ, ऊपर से तुम इतने देर से क्यों आए? रवि रवि देखो देखो गोली मत चलाना। मैं एक छोटा था नन्ना था प्याला था बत्ता हूँ और वो रवि बड़ा बदमाश है। रवि रवि मूंगफली खा लिया, हाथ में रखिए। वाइडा आ कहीं तने सिंगदाना खावानो टाइम लागे छे। मूंगफली उसके मुंह पर मारिए। ठीक है, गन वाला हाथ पकड़िए। ये तो बहुत स्ट्रांग है रे, इसका मारिए ना। अब खड़े क्यों हैं? अब मुझे जरा ये बताओ कि तुमने ज्योतिष कहाँ पढ़ी है? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बहन यही होगी? बिट्टू ने ही तो बताया था। आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चलेगी तेरी बहन मार दी जाएगी। इस शहर की शाम की पहली लाइट है लाइट हाउस। इतनी टेंशन में भी तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? एग्जाम के सवाल का जवाब तो हर कोई देता है, लेकिन असली हीरो वो है जो जिंदगी के जवाब दे। रवि बेटा, आज इंटरव्यू है। सैलरी कितनी होगी? शायद 25,000। उस हिसाब से 1,00,000 कब तक कमा लोगे? 4 महीने में। और 2 घंटों में 1,00,000 कमाने पर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी बाबा। होमवर्क अच्छा है, अब जाओ। 5,000 के लिए थैंक्स, और देखना 1 घंटे में 50,000 बना के लाऊंगा। 5,000 मिल गए? ये देखो, ये पैसे नहीं सांप है, छोड़ दो इन्हें, काट खाएंगे। हाँ? मेरी मानो, इन्हें वापस कर दो। 100 रुपए लेकर शाम को पिक्चर देख लेना, ऐश करो। और हमारी कहानी का हीरो लप्पू झन्ना सारा पैसा लोगों में बांटकर अपने घर लौट आया और फिर से बस की लाइन में खड़ा हो गया। इसके आगे की कहानी हमारे अगले भाग में सुनिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।